नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज का हमारा क्वेश्चन है रजोनी व्रत किसे कहते हैं समझाइए तो आइए चलो देखते हैं रजोनी व्रत के बारे में रजोनी व्रत प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल यानी 12 से 13 वर्ष की उम्र से 45 से 50 वर्ष की उम्र तक में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति किसको गर्भावस्था को छोड़कर जब महिलाएँ गर्भ अवस्था में होती है उस अवस्था को छोड़कर प्रति छब्बीस से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार के श्लेष्म का स्त्रावण होता है यह स्त्रावण तीन या चार दिनों तक तो चलता है इसे ही स्त्रावण रजोधर्म आतर्व या मासिक धर्म ठीक है इसके नाम है स्त्रावण रजोधर्म आतर्व या मासिक धर्म या फिर एम पीरियड कहते हैं चूंकि यह है एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार होता है इसी कारण इसे मासिक ऋतु स््रावण चक्र भी कहते हैं स्त्रियों में पिस्तालीस से पचास वर्ष के बाद ऋतु स्त्रावण नहीं होता ठीक है आपको ध्यान में रखना है कि पिस्तालीस से पचास वर्ष की बाद वर्ष के बाद महिलाओं में ऋतु स्त्रावण या फिर एमसी पीरियड की, की प्रोसेस नहीं होती इस अवस्था को रजोनी व्रत कहते हैं ठीक है किससे कहते हैं रजोनी व्रत जब महिलाओं में यानी पिस्तालीस से पचास वर्ष की महिलाओं में ऋतु स्त्रावण बंद हो जाता है तो इस अवस्था को रजोनी व्रत कहते हैं रजो रजोनी व्रत के बाद गर्भधारण की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा स्तन भी ढीले हो जाते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद